ये एक ऐसी योजना है कि इस योजना से जुड़ा हुआ एक एक व्यक्ति हमारे लिए हमारे परिवार के समान है। ये हमारा समय था कांग्रेस पार्टी का, तो इस तरह के फैसले किए गए थे कि किसान के कर्जे माफी का फैसला था, कि मनरेगा की योजना थी, नारा दिया काला धन लाएंगे, सबके सबके बांटे 15 लाख आएंगे। काला धन तो आया नहीं, मगर काले धन वालों को भाजपा में ले आए, नारा बदल गया, काला धन नहीं लाएंगे मगर काले धन वालों को बीजेपी ज्वाइन कराएंगे। और मैं आपको ये आश्वासन दिलाना चाहता हूं, ये जो मनरेगा से जुड़ा हुआ ये आंदोलन है और इस आंदोलन से जुड़ा हुआ एक एक व्यक्ति, एक एक परिवार, वो हमारा परिवार है। ये मनरेगा की योजना, जिस योजना का मजाक भारतीय जनता पार्टी वालों ने देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में, जिस संसद में मैं प्रदेश से एकमात्र विपक्ष के सांसद के रूप में, मैं उस समय उस क्षण की गवाही में दे सकता हूं जब प्रधानमंत्री जी ने मनरेगा का मजाक उड़ाया, योजना का मजाक उड़ाया। मगर मैं भाजपा वालों को बताना चाहता हूं, ये मनरेगा की योजना एक कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़ी हुई ये एक ऐसी योजना है कि इस योजना से जुड़ा हुआ एक एक व्यक्ति हमारे लिए हमारे परिवार के समान है। और इस योजना को शुरू भी हमने किया था जब हमारी सरकार थी, केंद्र में भी और प्रदेश में भी जब हमारी सरकार थी तो हमने शुरू भी किया था। 10 साल में आपने बजट इस योजना का 1/3 बजट कम कर दिया, 10 साल में इस योजना का आपने मजाक उड़ाया, लेकिन अब परिवर्तन की तरफ हमारे प्रदेश के और देश के कदम बढ़ गए हैं। इस योजना को शुरू भी हमने किया था और इस योजना को आगे भी हम बढ़ाने का काम करेंगे। आज मैं कहना चाहता हूं ये हमारी योजना थी, हमें गर्व है। ये हमारा समय था कांग्रेस पार्टी का, तो इस तरह के फैसले किए गए थे कि किसान के कर्जे माफी का फैसला था, कि मनरेगा की योजना थी। और भाजपा ने क्या किया, 10 साल इनकी सरकार थी, नारे दिए लेकिन नारों के उल्टा काम किया। नारा दिया काला धन लाएंगे, सबके सबके बांटे 15 लाख आएंगे, काला धन तो आया नहीं, मगर काले धन वालों को भाजपा में ले आए, नारा बदल गया, काला धन नहीं लाएंगे मगर काले धन वालों को बीजेपी ज्वाइन कराएंगे। यही बात है ना, नारे बदल गए। कहा था कि डीजल, मेरे को याद है, बहुत हुई महंगाई की मार, पेट्रोल हो गया 50 पार। अब की बार भाजपा सरकार 2014 में नारा था, पेट्रोल 50 पे पहुंचा था। बोला था गैस सिलेंडर हो गया 400 पार, अब की बार भाजपा सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार, ये नारे थे। लेकिन ना तो पेट्रोल सस्ता हुआ, ना डीजल सस्ता हुआ, ना गैस का सिलेंडर सस्ता हुआ, ना बिजली का बिल सस्ता हुआ। 10 साल में बढ़ी तो केवल महंगाई बढ़ी। 2 करोड़ रोजगार का वायदा था, रोजगार दिया नहीं। 10 साल में बढ़ी तो बेरोजगारी बढ़ी, भ्रष्टाचार मुक्त शासन का नारा था। अगर 10 साल में अगर बढ़ा तो ऐसा भ्रष्टाचार बढ़ा कि कोविड के अंदर, कोरोना के अंदर वैक्सीन लगाने वाली कंपनी से भी 450 करोड़ का चंदा भारतीय जनता पार्टी ने लिया।